हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रंच वर्क्स। आज हम बनाएंगे आलू टिक्की बर्गर। चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 6 से 7 आलू ले लिए थे और उन्हें पानी में डाल के 3 सीटी लगा ली थी। यहाँ मेरे आलू बॉईल हो चुके हैं, अब हम इन्हें छील लेते हैं। आलू जब हम बॉईल करके छीलते हैं तो उसका छिलका आराम से उतर जाता है और आलू भी हमारा कम वेस्ट होता है, तो आलू को बॉईल करके ही छीला करिए। हाँ, हमने आलू को ग्रेट कर लेते हैं, कद्दूकस कर लिए। यह हम बर्गर की टिक्की की तैयारी कर रहे हैं। चलिए हम इसमें मसाले डालते हैं। ये 1 चम्मच काला नमक, लाल मिर्च पाउडर आधी चमची, नमक स्वाद अनुसार, 3 से 4 कटी हरी मिर्चें, नींबू निचोड़ लेते हैं। नींबू जब आप ऐसे निचोड़ते हैं तो उसके जो बीज होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और रस नीचे निकल जाता है। अब यहाँ पे मैंने बाइंडिंग के लिए 3 चम्मच चावल का आटा यूज करा था। चावल का आटा बाइंडिंग में ही काम करता है और टिक्की में हमारा कुरकुरापन भी ले आएगा। चलिए हम आलू को और इन सब मसालों को मिक्स कर लेते हैं। ये जो टिक्की होती है, वैसे भी अगर बर्गर के अलावा भी आप खाएंगे तो बहुत ही कुरकुरी टिक्की होती है। चलिए हम अपनी टिक्कियां तैयार कर लेते हैं। इन्हें गोल करके हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर दिएगा। अब मैंने एक तवे में तेल ले लिया था, इसमें हम टिक्की फ्राई कर लेते हैं। टिक्की को हमें दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट तक। टिक्की को गोल्डन ब्राउन करना है, सिंपल। यहाँ मैंने एक तवे में घी ले लिया था, इसमें हमने बन जो होंगे बर्गर बन उन्हें थोड़ा सा टोस्ट कर लेते हैं। घी ऊपर भी लगा देते हैं। हमें अपने बन को हल्का सा ही टोस्ट करना है, ज्यादा टोस्ट नहीं करना है। हमें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए हम अपना बर्गर प्लेस करते हैं। सबसे पहले बॉटम पार्ट लगाइए बन का, इससे मेयोनीज स्प्रेड कर देंगे हम। यहाँ मैंने अपनी टिक्की रख दी है, उसके ऊपर टमाटर, वेजीज जो जो आपको पसंद है वेजिटेबल वो आप रख सकते हैं। यहाँ मैंने टमाटर यूज करा है, प्याज, अनियन, इसके गोल गोल रिंग काट के डालेंगे तो अच्छे लगेंगे आपको। हम इसके ऊपर कुकम्बर, खीरा डालेंगे। यहाँ मैंने चीज स्लाइस का यूज नहीं करा है, आप चाहें तो चीज स्लाइस भी रख सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत एनहेंस हो जाता है। यहाँ मैंने थोड़ा पिज्जा मिक्स डाल दिया था ताकि इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाए। टोमेटो केचप,
ये बन का ऊपर वाला पार्ट रख दिया था। हमारा बर्गर तैयार हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।